नमस्कार दोस्तों, होटल हो या रिजॉर्ट सभी के लिए ज़रूरी होता है अपनी सेल्स को बढ़ाना, और इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने होटल्स या रिजॉर्ट की ऑनलाइन सेल्स को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हमारी कंपनी का नाम है ओटीए एक्सपर्ट, ओटीए मीन्स ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, जिसमें जैसे गो आई बीबो, मेक माई ट्रिप, एक्सपीडिया, अगोडा, बुकिंग.कॉम, ये काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं जिस पर हम रेगुलर काम करके अपने होटल या रिजॉर्ट की सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम सिर्फ इन पोर्टल्स पर रजिस्ट्रेशन करा देने से ही हमारा बिजनेस आना शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इन पोर्टल्स पर रेगुलर काम करना होता है, और वो काम किस तरह से किया जाता है वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सोशल मीडिया भी ऑनलाइन सेल्स का ही एक बड़ा पार्ट है, लेकिन इसका दायरा काफ़ी बड़ा है, जिसे हम अपने एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं booking.com। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे, और यहाँ पर आप एक्सटरनेट ओपन करने के लिए आपको टाइप करना होता है admin.booking.com। इसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होता है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, इसलिए यूज़र नेम शो कर रहा है। मैं अपने एक होटल का एक्सटरनेट यहाँ पर ओपन करके आपको शो कर रही हूँ। सबसे पहले आपके सामने ये स्क्रीन आती है, होम पेज होता है ये booking.com का। यहाँ आपको ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, होम, रेट्स एंड अवेलेबिलिटी, प्रमोशंस, रिजर्वेशंस, प्रॉपर्टी, अपॉर्चुनिटीज़, इनबॉक्स, गेस्ट रिव्यू, और जब आप मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको और भी ऑप्शंस दिख जाएंगे, जैसे कि इसमें फाइनेंस है, एनालिटिक्स जो होते हैं, आपके क्या प्रमोशंस लगी हैं, उनके आपके क्या रिजल्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं होम से। आप जब होम पेज यहाँ पे देखते हैं तो साइड में आप अपने राइट हैंड साइड पे देखेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आए हुए हैं। इन नोटिफिकेशंस को आप ये देखेंगे कि आपने क्या क्या इसमें ऑलरेडी इनको फिल कर दिया है या अभी ये करना बाकी है। यहाँ पर आजकल जो इन्होंने दिया है booking.com ने, कोरोना वायरस से रिलेटेड COVID-19 के प्रिकॉशंस जो हमें फ़िल करने होते हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। हम ऑलरेडी इसमें फ़िल कर चुके हैं, लेकिन आपकी स्क्रीन पर ये दिखा रहा होगा, तो इसे यहाँ पर क्लिक करके आप उसमें सारी इन्फॉर्मेशंस दे सकते हैं। ये स्क्रीन आपको दिख जाएगी, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन है और सारी डिटेल्स भी हैं। आप इसका एक अलग शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है, लेकिन आप इसको प्रॉपर्टी में जाकर भी, यहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑप्शन है जिस पर आप क्लिक करके, यहाँ पर ये ऑप्शंस जो दिए हुए हैं सेफ्टी फीचर्स के, आप इनको येस और नो में क्लिक करके, जो भी आप प्रॉपर्टी में प्रोवाइड करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यस करके, और जो नहीं करा रहे हैं उसको नो करके आप यहाँ पर सेव ज़रूर कर दीजिए। हमने कोई चेंज नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर हमारा कोई अलग से सेव नहीं दिखाया है इसने, ये ऑलरेडी हमने फिल किया हुआ है। होम पेज पर ही आपको आने वाले जो भी करंट अराइवल्स हैं, डिपार्चर्स हैं, वो आपको यहाँ पर शो हो जाते हैं। अराइवल, डिपार्चर्स, जो आपके पास स्टे ओवर हैं वो भी दिख जाते हैं, और गेस्ट की कोई अगर रिक्वेस्ट है तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर ऑल व्यू रिजर्वेशंस भी हैं, यहाँ से आप अपने टोटल जो भी आज के रिजर्वेशंस हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पर आप टुडे, टुमारो, येस्टरडे, ये सब आप सेलेक्ट करके वो भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका रेट्स एंड अवेलेबिलिटी का है, जिसमें आप क्लिक करते हैं तो आपको कैलेंडर मिलता है, जहाँ पर आपको रेट्स और आपके नंबर ऑफ रूम्स, इन्वेंट्री दोनों देखने को मिलती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इन्वेंट्री
अपने रूम्स की दी हुई है नंबर ऑफ रूम्स टू, और उनके रेट्स यहाँ पर मेंशन है। सीपी इज़ विद ब्रेकफास्ट, कुछ नॉन रिफंडेबल रेट्स हमने दिए हुए हैं, विदाउट ब्रेकफास्ट ईपी रेट्स भी दिए हुए हैं। इसी तरह से जितनी भी हमारे रूम कैटेगरीज हैं उनके रेट्स और रेट प्लान्स यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होता है बल्क एडिट का, जहाँ से आप कोई भी बल्क एडिट आपकी रूम इन्वेंट्री या रेट्स को आप चेंज कर सकते हैं पूरे साल के लिए, या जिस भी मंथ के लिए आप पर्टिकुलर करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो इम्पॉर्टेंट एक ऑप्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो प्रमोशन से रिलेटेड होता है, मोबाइल रेट्स और कंट्री रेट्स, जो अक्सर लोगों को पता नहीं होता है और जिसकी वजह से दूसरे पोर्टल्स पे रेट की डिस्पैरिटी भी होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे मोबाइल रेट्स पर तो आप ये देखेंगे कि ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ पे पहले से ही booking.com ने 10% का डिस्काउंट लगाया हुआ होता है। आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ये मिनिमम 10% होता है, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मोबाइल अपने मोबाइल गेस्ट को ज़्यादा डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो आप बढ़ा भी सकते हैं। इसी तरह से आपका एक और ऑप्शन है इसमें कंट्री रेट्स का, जिस पर कि आप जब क्लिक करते हैं तो आपको अलग अलग कंट्रीज़ को क्या क्या डिस्काउंट्स आपको देने हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कंट्रीज़ के नेम्स हैं, यहाँ पर डिस्काउंट रेट है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्काउंटिंग दी हुई है, और आप ऐसा करने के बाद इसको सेव ज़रूर कर दें। दोस्तों, एक बात जो यहाँ ध्यान रखने वाली होती है, इसमें आपके पास कंट्रीज़ में डोमेस्टिक का ऑप्शन होता है और इंडिया के लिए एक अलग डिस्काउंट होता है। अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये डोमेस्टिक का भी जो डिस्काउंट है वो इंडिया के गेस्ट, इंडिया में अगर कोई गेस्ट बुक करता है तो उसको भी ये डिस्काउंट मिलता है, और ये डिस्काउंट बाकी डिस्काउंट्स के साथ क्लब हो जाता है। तो जब भी आप इसमें डिस्काउंटिंग करें तो ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि आप जो टोटल डिस्काउंटिंग दे रहे हैं वो गेस्ट को कितना मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर booking.com अपने डिफरेंट डिस्काउंट्स को स्टैक करता है। इसमें बेसिक डील्स भी होती हैं, मोबाइल डिस्काउंटिंग है, कंट्री डिस्काउंटिंग है, लास्ट मिनट डिस्काउंटिंग होती है। तो अगर आप सारे डिस्काउंट्स लगा देंगे तो वो क्लब हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको मैक्सिमम कितना डिस्काउंट देना है, अदरवाइज़ आपका रूम बहुत कम में भी सेल हो सकता है। इसके बाद आप रिजर्वेशंस पे जाएंगे। रिजर्वेशंस में आप देख सकते हैं चेक इन चेक आउट। यहाँ पर देखिए, इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर कोई गेस्ट चेक इन रिजर्वेशन बनाया है लेकिन चेक इन नहीं किया है तो उसमें आपको नो शो मार्क करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आपको गेस्ट आए हैं या नहीं आए हैं आपको पेमेंट देना, उसका कमीशन आपको चार्ज हो जाएगा। मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको, अगर मेरे पास कोई पहले की रिजर्वेशन ऐसी है जिसमें हम आपको दिखा दें कि हमने नो शो किया हुआ है, तो उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभिनव नेगी जी ने यहाँ पे हमें बुक कराया था 11 जुलाई को, 12 जुलाई के लिए चेकआउट था, लेकिन आप देखेंगे हमारे पास गेस्ट आए नहीं, तो हमें यहाँ पे नो शो करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ यहाँ पर प्राइस के सामने प्राइस लिखा होता है और कमीशन हमें booking.com कितना चार्ज करेगा वो भी लिखा होता है, तो वो हमें देना होता है अगर आप नो शो नहीं करेंगे, और ये आपको चेकआउट के विद इन 24 आवर्स करना होता है। नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रॉपर्टी पेज स्कोर। ये ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ का होना चाहिए, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, 100% हो तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर हमारी इस प्रॉपर्टी का 97% है। अब ये 3% क्यों लेस है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, देखिए जैसे 2 of your photos आर लो क्वालिटी, तो हमने जो यहाँ पर पिक्चर्स डाले हुए हैं उसमें से कोई 2 पिक्चर्स हैं जो लो क्वालिटी के हैं और हमें उन्हें हाई क्वालिटी पिक्चर्स के साथ रिप्लेस करना है। इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड और टैग अ फोटो ऑफ योर ब्रेकफास्ट ऑप्शन, तो अगर हम ये दोनों चीज़ें कंप्लीट कर देंगे तो हमारा ये 100% स्कोर हो जाता है।
और ये स्कोर हमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी को विजिबल करता है। booking.com के पोर्टल पे अगर आपका 100% पेज स्कोर है तो वो आपकी प्रॉपर्टी को जब कोई भी गेस्ट सर्च करेंगे तो वो फर्स्ट पेज पे लाने में आपको हेल्प करता है। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी पार्ट है कि आप अपने प्रॉपर्टी का पेज स्कोर जितना हाईएस्ट हो सकता है वो आप करें। इसमें यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई गई हुई हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं, तो आप ज़रूर अपने एक्सटर्नेट को खोलकर चेक करें कि पेज स्कोर कितना है और क्या उसमें कमी है। इसके अलावा जनरल इन्फो, टैक्स डिटेल्स, ये सब आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल कर देते हैं। और फ़ोटोज़ में जाकर आपको आप देख सकते हैं कि अगर मिसिंग फ़ोटोज़ हैं तो वो यहाँ पर शो करता है कि आपके दो फ़ोटोज़ मिसिंग हैं या कोई लो क्वालिटी की है, तो वो भी आप ठीक कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ज़रूरी पार्ट है टैगिंग का। आप कोई भी जब नई फ़ोटो अपलोड करते हैं तो यहाँ पर वो शो करता है टैगिंग के लिए। अगर वो टैग नहीं किया गया है तो वो फ़ोटो कंप्लीट नहीं माना जाता है और उससे भी आपकी विजिबिलिटी पर फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पर टैगिंग प्रॉपरली करेंगे तो भी आपकी प्रॉपर्टी विजिबल होती है। इसके अलावा आपको रूम्स की पिक्चर्स मैंडेटरी होती हैं कि मिनिमम आप 5 पिक्चर्स हर रूम कैटेगरी की इस पे अपलोड करें, जिसमें कि 3 रूम्स की और 2 मिनिमम आपके वॉशरूम्स की होनी चाहिए। इसके अलावा आप प्रॉपर्टी पिक्चर्स में आप अपने रेस्टोरेंट्स और जो भी फैसिलिटीज़ आपकी हैं वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। यहाँ पर और बहुत सारी डिटेल्स हैं लाइक फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। रूम की डिटेल्स दे सकते हैं, रूम अमेनिटीज़ क्या दे प्रोवाइड कर रहे हैं आप वो यहाँ पर फिल कीजिए। ये सारी चीज़ें ही बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ का एक ऑप्शन होता है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ये शो करते हैं booking.com जो भी आपको करने से आपकी बुकिंग्स को बूस्ट मिलता है और विजिबिलिटी अच्छी होती है। तो आप देख सकते हैं गेट अप टू 18% मोर बुकिंग बाय इम्प्रूविंग योर प्रॉपर्टी पेज स्कोर। तो हमारा जो 3% अभी कम है अगर हम उसको कंप्लीट कर देते हैं तो उससे हमें 18% बूस्ट मिलता है। सेम थिंग गेट मोर विजिबिलिटी फॉर डोमेस्टिक गेस्ट, अगर हम डोमेस्टिक गेस्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं तो यहाँ पे हमें फ़र्क पड़ जाएगा। 85 ऑफ सर्चेज इन इंडिया आर डोमेस्टिक बिकॉज अभी क्योंकि लॉकडाउन में इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी ओपन नहीं हुई हैं तो सारे डोमेस्टिक गेस्ट ही हमें सर्च कर रहे हैं, इसलिए ये डोमेस्टिक गेस्ट के लिए हम जितना ज़्यादा डिस्काउंटिंग यहाँ कर सकते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। और आप इसी तरह से देख सकते हैं यहाँ पे जो जो चीज़ें करने के लिए दी हुई हैं वो आपको करनी ज़रूरी होती हैं। इसमें देखिए गेस्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर जीनियस पार्टनर प्रोग्राम है और प्रेफर्ड पार्टनर प्रोग्राम है। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताना चाहूँगी। प्रेफर्ड पार्टनर प्रोग्राम आपको पहले ऑफर किया जाता है booking.com की तरफ से, उसके बाद जब आप प्रेफर्ड में एप्लीकेबल हो जाते हैं और बहुत कुछ रिव्यूज़ इसमें आने लग जाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, रिव्यू स्कोर अच्छा हो जाता है, ये दोनों, तो आप ऑटोमेटिकली जीनियस प्रोग्राम में चले जाते हैं। जीनियस और प्रेफर्ड प्रोग्राम में जाने का मतलब भी यही होता है कि आपकी प्रॉपर्टी अच्छा ग्रो कर रही है, इसकी विजिबिलिटी अच्छी है, सर्चेज अच्छी हैं। तो आप इसके लिए प्रेफर्ड प्रोग्राम में आज ही ज्वाइन कर लें। आपके पास जब आप इसे खोलेंगे तो वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए ऑप्शन आएगा, आप उसे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप प्रेफर्ड प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर दीजिए। उसके बाद जब आप प्रेफर्ड के लिए कंप्लीट कर लेंगे अपना प्रोफाइल तो आप जीनियस में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। विजिबिलिटी बूस्टर है कि यहाँ पर जिसमें आप जब क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ डेट्स दी गई हैं कि आप कब से कब तक इसको बूस्ट को लगाना चाहते हैं और कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंटिंग मांगी जाती है क्योंकि जनरली booking.com 18% कमीशन चार्ज करता है, लेकिन अगर आप इसको बढ़ाकर 20 या ज़्यादा कर देते हैं तो उससे भी थोड़े एफर्ट्स booking.com ज़्यादा करता है आपके लिए। तो अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है, आप इसको कर सकते हैं। इनबॉक्स में आपको गेस्ट मैसेजेस, booking.com मैसेजेस और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो दिखता है। गेस्ट रिव्यूज़ में भी आप गेस्ट के रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस पढ़ सकते हैं और उनको रिप्लाई ज़रूर करें। फाइनेंस में आपको ऑप्शन दिखता है, आपके इनवॉइसेस जो भी कमीशन इनवॉइसेस होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं।
उनकी पूरी डिटेल्स होती है और वहीं से आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी फिल होती हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही ये फिल कर दी जाती हैं। एनालिटिक्स एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अपना एनालिटिक डैशबोर्ड, जिससे आपको पता चलता है कि आप बाकी पोर्टल्स पे आपकी प्रॉपर्टी की क्या कॉम्पिटिटिव आपके रेट्स हैं, क्या परफॉर्मेंस है, और आप यहाँ booking.com पर कैसा कर पा रहे हैं। लास्ट 90 डेज़ की यहाँ पे आपको रिपोर्ट मिल रही है, कितने रूम नाइट्स रहे, कितना रूम रेवेन्यू। अभी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से गेस्ट नहीं ट्रैवल कर पा रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर बुकिंग्स का कोई रेवेन्यू हमें शो नहीं कर रहा है। इसी तरह से आप पेस्ट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जब आप प्रॉपर्टी की डिटेल्स अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कोई कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ अकाउंट में जाकर आप अपने राइट हैंड साइड पर आप ऊपर की तरफ देखेंगे, अकाउंट का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स में जाकर आप अपने कॉन्टैक्ट्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स डाले हुए हैं, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद उसे वहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, तो आप उसे सेव ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स, अभी भी इस वीडियो में हम सारे ऑप्शंस कवर नहीं कर पाए हैं, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। मेरे आने वाले वीडियोस में मैं इसी तरह की जानकारियां आपको देती रहूंगी। आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, तो मेरा कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।